श्री वैकुंठनाथ गौरचंद्र की जय हो, श्री सेवा विग्रह नित्यानंद की जय हो, अद्वैत और श्रीवास के प्रिय धाम की जय हो, गदाधर और श्री जगदानंद के प्राण स्वरूप की जय हो, श्री परमानंद के जीवन स्वरूप की जय हो, श्री दामोदर स्वरूप के प्राण धन की जय हो, बक्रेश्वर पंडित के प्रिय कार्य की जय हो, पुंडरीक विद्यानिधि के मनोहारी प्रभु की जय हो, द्वारपाल गोविंद के नाथ की जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीपपुर में प्रेम भक्ति के आनंद सागर में विहार कर रहे थे। प्रभु निरवधि भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, कृष्ण संबंधी सबका भजन बन चुका था। गोकुल नगरी में गोप शिशुओं के साथ मिलकर प्रत्येक घर में जिस प्रकार की क्रीड़ा किए थे, उसी प्रकार गोकुल के आनंद का प्रकाशन करते हुए सुविलासी श्री नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे थे। दैव से इच्छा में भगवान नित्यानंद चंद्र की गौरचंद्र के दर्शन हेतु इच्छा हुई, तो नवद्वीप में रहते हुए श्री नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने की। आई के निकट से संतोष के साथ विदा ग्रहण पूर्वक नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य की इच्छा से नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। सभी पार्षद वर्ग के साथ परम विहुवल प्रभु श्री चैतन्य नाम गुण कीर्तन करते करते जा रहे थे। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग को कुछ दिनों में प्रेम आनंद के रस में पार करके प्रभु नीलाचल आ पहुंचे। प्रभु के नेत्रों से प्रेम निरवधि प्रेम धाराएं बह रही थी। प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य कहकर हुंकार कर रहे थे। वहां आकर प्रभु ने एक पुष्प के उद्यान में अवस्थान किया। श्री चैतन्य के अतिरिक्त उनकी इच्छा को कौन समझ सकता है। नित्यानंद के शुभ आगमन तो नील कमलपुर गांव पहुँचे और वहाँ से फिर वहीं पर जगन्नाथपुरी में आकर वहाँ पे एक फूलों का बगीचा था, उसी बगीचे में नित्यानंद प्रभु आकर स्थान ग्रहण किए। नित्यानंद के शुभ आगमन के बारे में जानकर गौरचंद्र भक्त वृंद को छोड़कर एकाकी पधारे। उधर गौरांग महाप्रभु को पता चल गया कि नित्यानंद प्रभु उनसे मिलने आ गए हैं जगन्नाथपुरी, है ना। तो सारे भक्तों को छोड़कर अकेले नित्यानंद प्रभु से मिलने आए उद्यान में, है ना। जहाँ नित्यानंद प्रभु ध्यान के आनंद में विराजित थे, ध्यान कर रहे थे, वहीं पर गौरचंद्र ने नित्यानंद के समीप आगमन किया। प्रभु आकर ध्यानमग्न नित्यानंद को देखकर उनकी बहुत सी प्रदक्षिणा करने लगे। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रदक्षिणा करने लगे और एक श्लोक के द्वारा नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए प्रभु प्रेमपूर्ण होकर प्रदक्षिणा करने लगे। प्रदक्षिणा करते समय श्लोक भी उच्चारण, जैसे तुलसी महारानी का श्लोक हम उच्चारण करते, यानी गानी चौबा पानी, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा करते समय एक श्लोक गा रहे थे। वो श्लोक जो हमने बोला आपको रिपीट करने के लिए आप लोगों को, वही श्लोक महाप्रभु गाया पढ़ रहे थे। श्लोक और परिक्रमा कर रहे थे, किसका? नित्यानंद प्रभु का परिक्रमा है। जिस श्लोक को सुनने से नित्यानंद में मति होती है, नित्यानंद स्थिति स्वरूप उस श्रीमुख निश्रित श्लोक को सुनिए। श्लोक तो आपको सुनाया था, कहा नित्यानंद यदि मदिरा और जवनी भी ग्रहण करते हैं तो भी वे ब्रह्मा के वंदनीय हैं। नित्यानंद प्रभु अगर मदिरा भी ग्रहण करते हैं और जवनी, जवन की स्त्री को बोलते हैं जवनी, उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी
वे ब्रह्मा जी को वंदनीय है, मतलब फिर भी ब्रह्मा जी जैसे आदि देवता उनकी प्रार्थना करेंगे, वो इतने महान हैं, है ना, उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। उस श्लोक को पढ़ते हुए प्रभु गौर हरि प्रेम नंद की प्रदक्षिणा करने लगे। इस प्रकार से गौर सुंदर काय हुए जानकर नित्यानंद स्वरूप भी उसी क्षण हरि कहकर परम संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए। नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि महाप्रभु आ गए, तो तुरंत गौर हरि बोलकर खड़े हो गए। गौरचंद्र का मुख देखकर नित्यानंद को जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दुई जाना प्रदक्षिणा करे दुहाकारे, दुई जाना प्रदक्षिणा करे दुहाकारे, दुहा दंड वताई पड़े ना रे। बजाइए तो दो, अब दोनों लोग एक दूसरे की प्रदक्षिणा करने लगे, ये कैसे हो सकता है? हैं? अब नित्यानंद प्रभु भी उठ के गौरांग महाप्रभु की प्रदक्षिणा करने लगे। आप सोचिए कैसे हो रहा होगा लीला। फिर दोनों ने एक दूसरे को दंडवत प्रणाम किया। छड़े दुई प्रभु करे हे मायालिंगना, छणे गलन हरि करे आनंद कीर्तनानंद गरी जय दुई जान, पूर्वे जे न सुनिया छी श्री राम लक्ष्मण, अद्भुत प्रीति की, अद्भुत प्रीति से करना दुई जाने की, अद्भुत प्रीति से की, अद्भुत प्रीति से करे ना दुई जाने, अद्भुत प्रीति से करे ना दुई जाने, श्री राम लक्ष्मण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
श्लोक पढ़ी बरने न दुहारे, दुहारे दुहे जोड़ हस्ते नमस्करे। अश्रुकंप हास्य मूर्छा पुलक वैवर्ण्य कृष्ण भक्ति विकार रजता छे मर्म। इहा वही दुई श्री विग्रहे आर नाई, सबे करे कराए न चैतन्य गोसाई। की अद्भुत भक्ति हैल प्रकाश, की अद्भुत प्रेम भक्ति हैल प्रकाश। अद्भुत प्रेम भक्ति अइल प्रकाश, नयन भरिया देखे जे कांत दास, नयन भरिया देखे अद्भुत, की अद्भुत प्रेम भक्ति हैल प्रकाश, की अद्भुत प्रेम भक्ति हैल प्रकाश, नयन भरिया देखे जे कांत दास, तबे कत प्रभु जोड़ हस्त करी, तबे कत छाने प्रभु नित्यानंद प्रतिस्तुति करे गौर हरी, नाम रूप तुमि नित्यानंद मूर्ति मंत, नाम रूप तुमि नित्यानंद मूर्ति मंत, श्री वैष्णव धाम तुमि ईश्वरायन, जत किछु तुम्हार श्री अंगेर अलंकार, सत्य 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 भक्ति नव विधा भक्ति दरिया छ निज सुखे, निज जाति पति दया धाम जात जान, निज जाति पति दया, निज जाति पति दया, निज जाति पति दया धाम जात जान, महित है लाए वे सब राम चान, जे भक्ति दिया छ तुम्हें बनिक सबारे, ताहा बाँच सुर सिद्ध मुनि जोगेश्वरे, स्वतंत्र करिया वेद जे कृष्ण रे कर, हे न कृष्ण पार तुम करिते विक्रम, हे
तुम्हारो महिमा जानी बारे शक्ति कर मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण रसय अवतार नहीं जाना तुम्हें संकीर्तन सुखे भय नहीं जाना अहर्निश कृष्ण गुण तुम्हार श्रीमुखे कृष्ण चंद्र तुम्हार हृदय निरंतर तुम्हार विग्रह कृष्ण विलास घर अतएव तुम्हार जे जन प्रीति करे सत्य सत्य कृष्ण कभू ना छाड़ी बेतारे गौरांग नितई गौरांग नितई गौरांग नितई गौरांग नितई 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 गौरांग नितई 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 गौरांग नितई गौरांग गौर हरि Nitai goranga, nitai goranga, nitai goranga, nitai goranga, nitai goranga, gaura hari, nitai goranga, nitai goranga, nitai goranga, nitai goranga, nitai goranga, gaura hari. हरे कृष्णा महामत सिंह से भी बढ़कर दोनों गर्जन कर रहे थे। परमानंद के कारण क्षण में दोनों पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। पूर्व में जैसी श्रद्धे सुनी गई थी प्रीति, वैसी ही अद्भुत प्रीति दिखाई दे रही थी। दोनों जने श्लोक पढ़कर दोनों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। ये उनका श्लोक पढ़ते थे तो उनका श्लोक पढ़ते थे। सब सीखना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कल्चर है ये सब। क्या है, हम जनरली अपने महिमा का वर्णन करते हैं श्लोक पढ़ के, हैं? ये कल्चर, दिस इज कल्चर, यू अंडरस्टैंड विघ्नमूर्ति प्रभु, दिस इज कल्चर, चल दिस नॉट, इट्स ऑल कल्चर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। That's what we have to learn. The Lord is teaching. The two Lords are teaching. By their own example. शिक्षा दे रहे हैं अपने आचरण करके, देखिए कैसे कितना प्रीति है, की अद्भुत, बार बार कह रहे हैं वेदांत दशा की अद्भुत प्रीति करें, वैसी ही अद्भुत प्रीति दिखाई दे रही। क्या अद्भुत प्रीति है, क्या कहा जाए, ऐसी अद्भुत प्रीति।
दोनों जने दोनों ही दोनों को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक वैवर्ण्य आदि कृष्ण भक्ति विकार के जितने भी मर्म हैं इन सब के अतिरिक्त दोनों के शिव विग्रह में और कुछ नहीं था। श्री चैतन्य गोसाई ही सब कर रहे थे और करवा रहे थे। उस अद्भुत प्रेम भक्ति के प्रकाश को केवल एकांत दास ही नेत्र भरकर देख रहे थे। सब लोग नहीं देख पा रहे थे, केवल एकांत दास जो फिक्स हैं भगवान के चरण कमल वो समझ पा रहे थे, देख रहे थे, बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। फिर कुछ क्षणों के पश्चात प्रभु श्री गौर हरि हाथ जोड़कर नित्यानंद के प्रति स्तुति करने लगे। नाम रूप से आप मूर्तिमंत नित्यानंद नित्य आनंद स्वरूप हैं, आप अनंत ईश्वर एवं श्री वैष्णव धाम हैं। गौरांग महाप्रभु स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़कर नित्यानंद प्रभु का। आपके श्री अंग पर जितने भी आभूषण हैं वे सब त्रिसत्य स्वरूप भक्तियों के अवतार हैं। नित्यानंद प्रभु के शरीर में जो आभूषण थे वो भक्तियों के अवतार थे। कसा रुद्राक्ष आदि के रूप में आपने निज सुख स्वरूप विधा भक्तियों को धारण किया है, नवधा भक्ति के रूप में धारण किया है। स्मरण बंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। यही हमारा क्या है आभूषण, कई बार भक्त चाहते थोड़ा आभूषण पहनने के लिए है ना, हमारा आभूषण यही है, आप पहन सकते हैं इन सब आभूषणों को। तो प्रभु जी आभूषण पहनने का अलाउड ही नहीं है ब्रह्मचारियों को, है अलाउड? अलाउड है, नौ आभूषण है, नाइन वैरायटी। जितने भी पतित अधम और नीच जाति के लोग हैं इस बार आपके कारण सभी का उद्धार हो गया है। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय। सभी बड़िगों को आपने जो भक्ति प्रदान की है उसकी कामना सूर सिद्ध मुनि जोगेश्वर आदि किया करते हैं। जिस कृष्ण को वेद स्वतंत्र मानता है उस कृष्ण को आप बेचने में समर्थ हैं। वेद कहता है कि कृष्ण क्या है, स्वतंत्र है, और उसी को आप बेच रहे हैं, ये आपका महानता है। आपकी महिमा को जानने की शक्ति किसमें है, आप कृष्ण रस के मूर्तिमंत अवतार हैं। संकीर्तन के सुख में आपको बाहरी शुद्ध भूत का ज्ञान ही नहीं है, रात दिन आपके श्रीमुख से कृष्ण गुण कीर्तन ही होता रहता है। कृष्णचंद्र निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं, आपका श्री विग्रह कृष्ण विलास का घर है। अतः जो जन आपसे प्रीति करेंगे सत्य सत्य उन्हें कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। दान प्रोगे। फिर कुछ क्षणों के पश्चात नित्यानंद महाशय अति विनम्रता पूर्वक कहने लगे। हैं क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु, सुनिए। प्रभु हाय तुमी जे आमारे कर स्तुति, प्रभु हाय तुमी जे आमारे कर स्तुति, ए तुमार वात्सल्य भक्तिर प्रीत्यति, दक्षिण कर किबा कर नमस्कार, किबा मार किबा राख ए जिच्छा तुमार, किबा मार किबा राख ए जिच्छा तुमार।
वक्तव्य प्रभु आछे तोमा स्थाने। की बनाही देखा तुमी दिव्य दर्शने, मन प्राण सबार ईश्वर प्रभु तुमी, तुमी जे कराह से रूप करियामी, आपने ही मोरे तुम्हें दंड धराइला, आपने ही घुचाई आये रूप करीला, खड़ खड़ू बेत्र बंची सिंगा छंद दौड़ी, इहा धरिला आमी मुनि धर्म छाड़ी, आचार्यादि तो मार जाते प्रिय गण, सबरे दिला तप भक्तचरण, धर्म छाड़ाइया जे कैले अमारे, व्यवहार जाने से सकल हास्य करे, तुमार नर्तक आमी नाचावो जे रूपे, से रूप नाची आमी तुमार कौतुके, निग्रह की अनुग्रह तुमी से प्रमाण, तुमी तुमार सेना प्रभु बोले तुमार जे देह अलंकार, नव विधा भक्ति बाई किछु नहीं आर, श्रवण कीर्तन स्मरण दिन, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नमस्कार, ऐसे तुम्हार सर्वकाल अलंकार, नाग विभूषण जे धरे न शंकरे, नाग विभूषण जाने बुझिबार पारे, परमार्थ महादेव अनंत जीव अले अनंत धरे न सर्व छान, ना बुझी अनिंदे तन चरित्र गाढ, जते कनिंदे होय कार्य बाध, मुई त
तुम्हारे अंग भक्ति रस बीने अन्य नहीं देखो कभू काव्य वाक्य माने नंद गोष्ठी रस तुम्हें वृंदावन सुखे धरिया छ अलंकार अपन कौतुके यहाँ देखी जे सुकृति चित पाए सुख अवश्य देखिबे कृष्णेर श्रीमुख हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु हरि बोल बेत्र बंसी सिंगा गुंजा हर माल गंध सर्व काल रूपे तुम्हार श्रेयांग बालक देखी तुम्हार समाती श्रीदामा सुदामा प्राय लय मरमती वृंदावन क्रीड़ा रजते कशि सुगण सकल तुम्हार संगे लय मरमान से कांति से सब शक्ति सर्वदेह देखी से नंद गोष्ठी भक्ति कितने तुम्हारे तुम्हारे सेवके रे प्रीति करे सत्य सत्य से करे हमारे स्वानुभाव आनंद दुई मुकुंद अनंत की रूपे की कहे के जानी बे तारंत सतचणे दुई प्रभु बाह्य प्रकाशिया बसिले न निवृत्ते पुष्पेर बनगिया ईश्वर परमेश्वर हई लकी कथा वेद से हर तत्व जाने न सर्वथा नंद चैतन्य जगने देखाया प्रायर के हो नहीं थके से समय करे नया नंद विग्रह दुई जान्या गौराई चैतन्य इच्छा के नाथ के तखाना नित्यानंद स्वरूप प्रभु इच्छा जानी एकांत से आसिया देखे नान्यासी मानी बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
नित्याई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। कृष्णचंद निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं, आपका श्री विग्रह कृष्ण विलास का घर है, अतः जो जन आपसे प्रीति करेंगे सत्य सत्य उन्हें कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ क्षणों के पश्चात नित्यानंद महाशय अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहने लगे, प्रभु प्रभु होकर आप जो मेरी स्तुति करते हैं यह आपकी भक्तों के प्रति अति वत्सलता है। इधर देखो मेरी तरफ, क्या है उधर उधर तुम तो। प्रदक्षिणा कीजिए या नमस्कार कीजिए, मार डालिए या रक्षा कीजिए, जो चाहे सो कीजिए, आपकी इच्छा है। हे प्रभु आपके समक्ष कहने को क्या रह गया है, दिव्य दृष्टि से आपको क्या नहीं दिखाई देता। हे प्रभु हे ईश्वर आप ही सबके मन और प्राण हैं, आप जैसा करवाते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। आपने ही स्वयं मुझे दंड धारण करवाया, आपने ही उसे छुड़ा कर ऐसा किया, ये हाल बना दिया। मैंने मुनि धर्म का त्याग करके ताड़ खाड़ू बेत्र सिंह छांद दड़ी आदि को धारण किया, आचार्य आदि आपके जितने प्रियजन हैं उन सबको आपने तपस्या स्वरूप भक्ति आचरण प्रदान किया है। मुनि धर्म छुड़वाकर आपने मुझे जो गति प्रदान की है उसे देखकर सभी व्यवहारिक जन हंसते रहते हैं ना? बोले कि बाकी लोगों को तो आपने तपस्या करने के लिए बोल दिया, मुझे ये रूप पकड़ा दिया, अब मेरे ऊपर लोग हंसते हैं, है ना? लेकिन आपकी खुशी के लिए, है ना, जो भी आप व्यवहार करते हैं उसमें रहने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका नर्तक हूँ, आप जैसे मुझे नचाते हैं मैं वैसे ही आपके कौतुक के कारण नृत्य करता हूँ। तो भगवान के हाथ की कठपुतली बनना सीखना चाहिए, इसी में जीवन का क्या है, सार्थकता है, है ना सठ गोस्वामी प्रभु? है कठपुतली भगवान के हाथ की, अपना कुछ अलग विजन है ना, मिशन विजन अपना लेकर आए। निग्रह या अनुग्रह इन सब के प्रमाण स्वरूप आप ही हैं, वृक्ष माध्यम से भी आप अपना नाम संकीर्तन करते हैं, है ना? प्रभु ने कहा है तो ये तो नित्यानंद प्रभु बोले, अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कह रहे हैं, आपके श्रीअंग में विराजित जितने अलंकार हैं ये सब नवधा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रवण कीर्तन स्मरण एवं नमस्कार आदि ही सर्वकाल आपके अलंकार हैं। शंकर के द्वारा नाग विभूषण धारण करने का कारण सभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि शंकर जी सांप क्यों धारण करते हैं। शंकर जी सही, हाँ ये गलत, असली रीजन नहीं है, ये असली रीजन अब बताएंगे, सुनिए चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनिए। उसका कारण है परमार्थ में महादेव अनंत जीवन स्वरूप हैं, है ना, अनंत से इसके भक्त हैं शिव जी, है ना, बलराम जी के, है ना, नाग के छल से सर्व क्षण अनंत को धारण करते हैं, नाग के छल से, छल है वो नाग बहाना है वस्तु, उसके माध्यम से किसको अपने गले में धारण करते हैं, अनंत से इसको, है ना। बिना समझे जो सब लोग अगाध चरित्रवान शंकर की निंदा करते हैं उन सब के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मैं तो काय मन वाक्य से आपके श्री अंग में कभी भी भक्ति रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता हूँ। तुम चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप गहना पहन रहे हैं, लेकिन संसार के लोग सोचते हैं गहना पहन रहे हैं, लेकिन मैं तो आपके अंग में भक्ति योग के अलावा और कुछ नहीं देखता, केवल भक्ति योग ही देखता हूँ। आपने वृंदावन सुख स्वरूप नंद गोष्ठी के रस में कौतुक के साथ इन सब अलंकारों को धारण किया है। चैतन्य प्रभु गहने क्यों पहनते थे, ब्रज रस में ब्रज भाव में बलराम जी है ना, बलराम जी गहने पहनते थे तो बलराम जी के भाव में पहन रहे हैं गहने, लेकिन संसार के लोग नहीं, वो तो सन्यासी देख रहे हैं,
यह देखकर जिस सुकृतिमान के मन में सुख उदय हो रहा है वह अवश्य कृष्ण आपके शरीर में गहने देखकर है ना, जिसको आनंद होता है तो वो कृष्ण को जरूर प्राप्त करेगा, कृष्ण को देख पाएगा वो है ना। आपका श्री अंग सर्वकाल इस प्रकार से बेत्र बंसी सिंगा गुंजाहार गंध एवं मालाओं से सज्जित रहता है। जितने भी बालक आपके साथ दिखाई देते हैं मेरा मन कहता है कि वे सब श्रीदाम सुदाम सखा हैं। वृंदावन लीला के जान क्योंकि बच्चों से खेलते थे ना, तो लोग निंदा करते सन्यासियों के बच्चों से खेल रहे हैं, देखो कैसा सन्यासी। लेकिन महाप्रभु बोले कि मैं जानता हूँ कि आप के साथ जो बच्चे खेलते हैं वो सब साधारण बच्चे नहीं हैं, ये श्रीराम सुदामा सखा अर्जुन सखा मधुमंगल सखा ये सब सखा के भाव में खेल रहे हैं। वही भाव वही कांति वही सर्वशक्ति समन्वित आपके श्रीअंग में मुझे नंद गोष्ठी की भक्ति प्रतीत होती है। इस कारण जो आपसे आपके सेवकों से प्रीति करता है वह सत्य सत्य मुझसे प्रीति करता है। स्व अनुभव आनंद में मुकुंद और अनंत दोनों प्रभु किस प्रकार से क्या कह रहे थे इसका अंत कौन जान सकता है। कुछ क्षणों के पश्चात दोनों प्रभु बाह्य प्रकाशन पूर्वक एकांत में पुष्प के उपवन में जा बैठे। पुष्प उसी पुष्प वाटिका जो थी उसमें जाकर दोनों बैठ गए। ईश्वर और परमेश्वर के बीच क्या बातचीत हुई केवल वेद ही सभी प्रकार से इसके तत्व के बारे में जानते हैं। मैं भी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा पर बहुत गुप्त बातें हुई आपस में और भी डिटेल में एकांत में बैठकर दोनों प्रभु। ऐसा बहुत कम समय में सुना है जहाँ दोनों लोग मिल के बात कर रहे हैं आपस में एकांत में है ना, लेकिन यहाँ पे इस स्थान पे दोनों एकांत में बैठे कुछ डिस्कशन चल रहा है। क्या डिस्कशन हुई कुछ प्रीचिंग प्लानिंग व्लानिंग चल रहा होगा ये भी हो सकता है। नित्यानंद और चैतन्य जब परस्पर मिलते हैं तब प्रायशः वहाँ और कोई नहीं रहता है, जनरली ऐसा ट्रेंड है कि दोनों जब मिलेंगे तो वहाँ पे कोई क्योंकि बात समझ नहीं पाएंगे बाकी लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे ना। जाने आनंद विग्रह स्वरूप दोनों प्रभु क्या करते हैं आपस में मिलकर। चैतन्य की इच्छा से उस समय और कोई नहीं रहता है। नित्यानंद प्रभु भी प्रभु की इच्छा जानकर एकांत में आकर न्यासी मणि को देखते रहते हैं। प्रभु जैसे स्वयं को प्रकाशित नहीं करते हैं उसी प्रकार नित्यानंद तत्व को भी छिपा कर रखते हैं। ईश्वर का हृदय सुकोमल एवं दुर्भिज्ञ है। भगवान का हार्ट जानना चाहते हैं, भगवान का हार्ट हार्ट वो तो सुकोमल आप रिपीट कर दिए, हार्ट ऑफ गॉड इज वेरी सॉफ्ट। सुकोमल मतलब वेरी सॉफ्ट लाइक बटर, लेकिन साथ ही साथ दुर्भिज्ञ। दुर्भिज्ञ मतलब है कठोर, जिसको समझना बहुत कठिन है, उनके हार्ट को समझना बहुत कठिन है, पर एक बात क्लियर है कि बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी है बट इसको समझना कठिन है, समझना बहुत कठिन है। वेद शास्त्र में ब्रह्मा शिव आदि सभी यही कहते हैं कि भगवान का हार्ट बहुत सॉफ्ट है बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिना समझे बिना जाने सभी केवल महिमा कीर्तन करते रहते हैं। हम लोग तो महिमा कीर्तन करते हैं, हमें समझ में नहीं रहता, हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो गाओ जो भी जितना भी कि नहीं समझ में आए या ना आए है ना, गाओ जैसे भी जोर से गाओ, पूरा एकदम उत्साहपूर्वक गाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट विदर यू अंडरस्टैंड और नॉट सिंग है ना। वही बता रहे हैं कि बिना समझे बिना जाने सभी लोग केवल महिमा कीर्तन करते रहते हैं, समझता कोई नहीं है, केवल कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी भी यही कहती हैं, दूसरों का क्या कहना। लक्ष्मी भी यही बोलती हैं कि बिना समझे बिना जाने ही गा रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ। इस प्रकार स्व अनुभव आनंद में मग्न चैतन्य गोसाई किसी को भी यह बात नहीं बताते, उनकी आनंदमय लीला इस प्रकार की है कि ही है, किसी को बताते नहीं कि क्या बात कर रहे हैं अकेले बैठकर।
सभी मानते हैं कि प्रभु मुझसे अधिक प्रीति और किसी से नहीं करते। जिसके साथ मिलते हैं उसको भी इतना यही फीलिंग होता है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रीति मेरे से ही करते हैं और किसी से नहीं करते। सबको यही फील दिलाते हैं ऐसे। इज वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ में क्या है? हाँ, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुझे ही सारी गोपनीय बातें बताते हैं। ये भी उसको फील होता है कि सारा मेन सीक्रेट मेरे को बताते हैं और किसी को नहीं। सबसे कॉन्फिडेंशियल मैं हूँ इनका। मुनियों का धर्म अपनाकर सभी उपायों से कृष्ण भजन करना, मुनि धर्म छोड़कर बेत्र बंसी बारहा गुंजामाला छांद दड़ी आदि क्यों धारण करते हैं? कोई कहता है भक्त नाम जितने प्रकार के हैं उनमें वृंदावन की गोप क्रीड़ा सबसे बढ़कर है। गोप गोपी भक्ति सब तपस्याओं का फल है। ब्रह्मा शिव आदि सभी ईश्वर इसे इसी भक्ति को चाहते हैं। कुछ पूछते हैं कि भाई तपस्या छोड़ के, ये सब छोड़ के, मुनि धर्म त्याग के, सन्यासी धर्म त्याग के, क्या ये वेद वंशी ये सब धारण कर लिए हैं, है ना? इसके उत्तर में बताते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या किसकी भक्त, कौन सा हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन है? ब्रजवासी। उनसे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तो बहुत बड़ी तपस्या तभी तो हाईएस्ट माने जाते हैं, तो इसीलिए उन्हीं का उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अतिशय कृपा पात्र को ही गोकुल भाव मिलना है ना? गोकुल भाव उसी को मिलता है जो अतिशय कृपा पात्र हो। इस भक्ति की आकांक्षा प्रभु श्री उद्धव राय भी किया करते हैं। कौन सी भक्ति? हाँ, गोकुल की भक्ति। ये सबको नहीं मिलता, ब्रज प्रेम। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मोन धारी न दे। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मने धारी न दे। गौर ना होई तो तबे की होई तो के मने धारी न दे। यदि राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जनाइ तोके, मधुर बिंदा विपिन माधुरी प्रवेश चतुरीसा, मधुर बिंदा विपिन माधुरी प्रवेश चतुरीसा, बर जजु भावे र भक्ति सकति होई तो का,
गौरांगे रघुण सरल करियन गौरांगे रघुण सरल करिया मन गाओ गाओ ए भवसागरे ए मन दयाल न देखिए एक जान हमी गौरांग बोलिया नागिन गलिया गौरांग 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 बोलिया नागेनु गलिया के मने धारिनु दे के मोने गड़िया छे ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल इस भक्ति की आकांक्षा प्रभु श्री उद्धव राय भी किया करते हैं मतलब है? हाँ गोपी भाव गोपी भाव गोपियों की भक्ति की आकांक्षा इच्छा उद्धव जी करते हैं आशा महो नंद बज स्त्रीणाम पद रेणु भीक्षण सह वंदे जासाम वंदे जासाम हरि कथोद्गीतम् भुवन त्रयम् पुनाति क्या मैं नंद ब्रज स्थित उन गोपियों के चरण रेणुओं को की निरंतर वंदना करता हूँ जिन सबके श्री कृष्ण विषयक गान के द्वारा त्रिभुवन पवित्र होते हैं जो वैष्णव इस प्रकार से विचार करते हैं उन्हें श्री गौरचंद्र सर्वत्र स्वीकार करते हैं
ईश्वर की इच्छा से एक दूसरे की परीक्षा लेते रहते हैं। महाप्रभु श्री गौरांग राय इस प्रकार आनंदमय लीला विग्रह स्वरूप हैं। कृष्ण की कृपा से सभी आनंद में विह्वल रहते थे। कभी कभी परस्पर के बीच आनंद कलह भी होती थी। इसमें जो एक ईश्वर का पक्ष लेकर अन्य ईश्वर की निंदा करता है वह दुर्भाग्यशाली है। भुज उंगली और चरण जैसे संपूर्ण शरीर से भिन्न नहीं है। भुजा अंगुली और चरण पूरे शरीर से अलग नहीं है। इस प्रकार सभी भक्त ईश्वर से अभिन्न हैं। सभी भक्त ईश्वर से अभिन्न हैं। सभी भक्त ईश्वर से अभिन्न हैं। जिस प्रकार से कोई भी पुरुष मस्तक और हस्त आदि अपने अंग समूह को कभी भी अपने से अलग नहीं समझता, उसी प्रकार मुझ में अनुरक्त अनुरागी व्यक्ति भी आदि देवताओं को एवं जीव समूह को मुझसे अलग नहीं मानते, अर्थात अद्वैत ज्ञान स्वरूप मुझ में ही भेदाभेद संबंध युक्त होकर सभी देवता एवं जीव समूह अवस्थान कर रहे हैं। फिर भी सभी वैष्णव यही कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य सर्वथा सबके ईश्वर हैं। वे प्रभु नियंता पालक सृष्टा एवं दुर्विज्ञ तत्व स्वरूप हैं। सब मिलकर केवल इन्हीं महिमाओं का कीर्तन करते हैं। जिन शरीरों में उनका आविर्भाव हो रहा है उन सबके अनुग्रह से भक्ति धन की प्राप्ति होती है। सर्वज्ञता शक्ति दिए जाने पर भी अपराध करने वाले के लिए स्वयं मंगलमय होने के कारण उसकी भलाई के लिए प्रभु शास्ति भी प्रदान करते हैं। इसी बीच में दो प्रभुओं के प्रति गौरचंद्र का विशेष संबंध वर्तमान है। नित्यानंद और अद्वैत की स्तुति करना वे नहीं छोड़ते। यदि वे दोनों कोटि अलौकिक कार्य भी करते हैं फिर भी गौरचंद्र कुछ नहीं कहते। इस प्रकार से गौरांग श्रीहरि अद्भुत चंद्र के साथ कुछ क्षण तक परमानंद में मग्न रहे। फिर नित्यानंद के निकट से विदा लेकर प्रभु श्री गौरांग राय अपने निवास स्थान पर चले आए। मिलन खत्म। नित्यानंद स्वरूप भी परमहर्ष और आनंद के साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए चल पड़े। नित्यानंद और चैतन्य का परस्पर जो दर्शन हुआ इसके श्रवण से सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। लोटपोट होने लगे, पत्थर के ऊपर प्रभु पछाड़ खाकर गिने लगे, खाने लगे पत्थर के ऊपर ही। सब व्यक्ति प्रभु को पकड़ते हुए भी पकड़ नहीं पा रहे थे। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और सुदर्शन को देखकर नित्यानंद क्रंदन करने लगे। प्रभाव जानकर सबके गले की मलाएं लाकर सभी ब्राह्मण बार बार प्रभु को प्रदान करने लगे। जगन्नाथ के जितने भी दास थे नित्यानंद को देखकर उन सब में अतिशय परम उल्लास का प्रादुर्भाव हुआ। जो उन्हें पहचानता नहीं था वह दूसरों से पूछ रहा था। सभी कह रहे थे ये कृष्ण चैतन्य के भाई लगते हैं। नित्यानंद स्वरूप ने भी सबको गोद में लेकर सबका अंग नित्य जल से सिंचित कर दिया। फिर जगन्नाथ के दर्शन करके हर्ष और आनंद सहित सभी भक्तवृंद को साथ लेकर प्रभु गदाधर को देखने के लिए चल पड़े। नित्यानंद और गदाधर के बीच हृदय की जो प्रीति वर्तमान थी उसे वर्णन करने की शक्ति केवल ईश्वर में है। गदाधर के भवन में परम मोहन गोपीनाथ साक्षात नंद कुमार की भांति विराजमान है। देखें हाँ, स्वयं श्री चैतन्य ने उन्हें गोद में धारण किया है। अतिशय पाखंडी भी उस विग्रह को देखकर अपने आप को भूल जाते हैं। श्री मुरलीधर के मुख तथा अंगों की भंगिमाओं को देखकर नित्यानंद प्रभु में आनंद अश्रुओं की कोई सीमा नहीं रही। नित्यानंद का शुभ आगमन हुआ है यह जानकर गदाधर भागवत पाठ त्याग कर जल्दी चले आए। दोनों का श्रीवदन देखने मात्र से आलिंगन आबद्ध होकर क्रंदन करने लगे। दोनों प्रभु एक दूसरे को नमस्कार करने लगे। दोनों परस्पर एक दूसरे की महिमाओं का कीर्तन करने लगे। दोनों ने कहा आज हमारे नेत्र निर्मल हो गए हैं। कैसे निर्मल हो गए? एक दूसरे का दर्शन करके
दोनों प्रभुओं के शरीरों में, दोनों प्रभुओं ने कहा आज जीवन सफल हुआ है। दोनों प्रभुओं के शरीरों में बाहरी सुध नहीं रही। दोनों प्रभु भक्ति आनंद के सागर में बह रहे थे। क्या कर रहे हैं, बात नहीं करनी चाहिए। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ कि यह सब देखकर सभी दास चारों ओर दंडवत होकर क्रंदन करने लगे। क्या करने लगे? नित्यानंद और गदाधर के बीच क्या ही अद्भुत प्रीति वर्तमान थी। एक का प्रिय दूसरे नहीं बोलते थे। गदाधर देव का संकल्प था कि वे नित्यानंद निंदक का मुख नहीं देखे। वो नित्यानंद की निंदा करता था तो उसका मतलब ऐसे लोग भी थे, कहने का अर्थ है मतलब निंदा करने वाले लोग हमेशा रहते हैं, चाहे भगवान भी आते हैं इतने हम लोग कीर्तन कर रहे हैं उनके गुणों के, लेकिन नित्यानंद स्वरूप के प्रति जो प्रतिभाव नहीं रखता था उसे दर्शन नहीं देते थे। फिर दोनों प्रभु, ये समझना चाहिए दर्शन नहीं देने का ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं, निंदा करते हैं बहुत। फिर दोनों प्रभु चैतन्य मंगल संकीर्तन हेतु एक जगह पर स्थित होकर बैठ गए। चैतन्य मंगल संकीर्तन करेंगे दोनों मिलके, वन टू वन कीर्तन, वन टू वन मीटिंग, वन टू वन डिस्कशन। फिर गदाधर देव ने नित्यानंद को निमंत्रण किया और कहा आज यहीं भिक्षा करना। भिक्षा मतलब प्रसाद। तो हम लोग भी एक बार गए थे तो वहाँ के पुजारी बोले कि यहीं पे आज कीजिए, बहुत अच्छा प्रसाद। प्रसाद के लिए इसका मतलब फेमस था उसी समय से। गदाधर पंडित ने ये परंपरा बैठाई होगी प्रसाद खिलाने के। गदाधर को भिक्षा देने के लिए नित्यानंद जत्नपूर्वक एक मन चावल लेकर आए थे। एक मन मतलब 40 किलो। सभी प्रकार से देव योग्य अति सूक्ष्म शुक्ल वर्ण के तंडुल वे गोपीनाथ के लिए गौड़ देश से लाए थे। गोपीनाथ जी के लिए उठा के लाए थे गौड़ देश से 40 kg, है ना। साथ में एक सुंदर रंगीन वस्त्र भी था। दोनों को लाकर प्रभु ने गदाधर के हाथों सौंप दिए। प्रभु ने गदाधर से कहा गदाधर यह तंडुल रंधन पूर्वक श्री गोपीनाथ को निवेदन करके भोजन करना। तंडुल देखकर पंडित गोसाई हंसने लगे, कहने लगे नेत्र से कभी ऐसा तंडुल नहीं देखा। हे गोसाई क्या यह तंडुल आप जत्नपूर्वक गोपीनाथ के लिए बैकुंठ से लाए हैं? क्यों लक्ष्मी देवी ऐसा तंडुल रंधन करती हैं? ऐसा चावल केवल लक्ष्मी देवी कुकिंग करती हैं? इस संसार का तो नहीं है ये चावल। क्यों कृष्ण ही इसके भोक्ता हैं। कृष्ण भोग के उपरांत भक्त वृंद अवशेष ग्रहण करते हैं। गदाधर आनंद के साथ तंडुल की प्रशंसा करने लगे। गोपीनाथ के पास गए। गोपीनाथ के श्री अंग में उन्हें दिव्य रंगीन वस्त्र प्रदान किया। शोभा देखकर गदाधर आनंद में गदगद हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात गदाधर स्वयं टोटा से साक चयन पूर्वक रंधन का कार्य करने लगे। बिना बोए उद्भुत देवदत्त नामक साक तोड़कर उन्होंने एक व्यंजन प्रस्तुत किया। फिर इमली वृक्ष के सुकोमल पत्ते लाकर उन्हें पीस कर उन्हें नमक और जल मिलाया, उससे अम्ल नामक एक व्यंजन प्रस्तुत किया, है ना। इमली के पत्ते उसको पीस कर, है ना। इस प्रकार से भाग्यवान गदाधर ने रंधन कार्यों का समापन किया। फिर गदाधर ने भोग को ले जाकर गोपीनाथ के सामने निवेदन किया। उसी समय गौरचंद्र आकर उपस्थित हो गए। उसी समय प्रसन्न श्रीमुख से हरे कृष्ण कहते हुए कुतूहली गौरचंद्र ने शुभागमन किया। गदाधर गदाधर कहकर गौरचंद्र पुकारने लगे। संभ्रम के साथ गदाधर ने जुगल चरणों की वंदना की। हंसकर प्रभु कहने लगे क्यों गदाधर, क्या मैं निमंत्रितों में से नहीं हूँ? मैं तो तुम दोनों से भिन्न नहीं हूँ। तुम दोनों के न देने पर भी मैं बलपूर्वक ग्रहण करता हूँ। तुमने इन्विटेशन तो दिया नहीं मुझे, फिर मैं आ गया है। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथ का प्रसाद और तुम्हारे रंधन में मेरा अधिकार है।
बोले तुम इनविटेशन नहीं दिए फिर भी मैं तो अपना हिस्सा लेने आऊँगा ही, चाहे तुम बुलाओ या ना बुलाओ। कृपा वाणी सुनकर नित्यानंद और गदाधर सुख सागर में मग्न हो गए। गदाधर देव ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद लाकर गौरचंद्र प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दिया। अन्न का सौरभ संपूर्ण टोटा उपवन में व्याप्त हो गया। प्रभु सौरभ मतलब सुगंध, प्रभु भक्तिपूर्वक पुनः पुनः अन्न की वंदना करने लगे। फिर प्रभु ने प्रसाद अन्न तीन समान भागों में बांटकर एक साथ उपवेशन पूर्वक भोजन करेंगे। बोले तीन पार्ट में बांट के साथ बैठ के भोजन करेंगे एक साथ। नित्यानंद स्वरूप के द्वारा अनित मतलब लाया हुआ चावल के प्रति प्रीति के कारण महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे। वे नित्यानंद प्रभु प्रेम से लेकर आए थे। दोनों प्रभु परस्पर पास बैठकर भोजन करने लगे। ईश्वर संतोष के साथ अन्न व्यंजन की प्रशंसा करने लगे। प्रभु कहने लगे, इस अन्न की गंध से भी निश्चित कृष्ण भक्ति की है, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। इसका सुगंध कोई ले ले तो उसको कृष्ण भक्ति सुगंध। ये बात सत्य है कि नहीं? बहुत सत्य बात। गदाधर तुम्हारा रंधन कितना मनोहर है, मैंने तो ऐसा साग कभी नहीं खाया। गदाधर तुम्हारा रंधन कितना विचित्र है, इमली के पत्तों से तुमने ऐसा व्यंजन प्रस्तुत किया है। समझ गया हूँ तुम बैकुंठ में कुकिंग का काम करते हो, तो फिर क्यों तुम अपने आप को छिपाते हो, हैं? छिपा क्यों रहे हो? इस प्रकार से संतोष के साथ हास परिहास करते हुए तीनों प्रभु प्रेम रस से भोजन करने लगे। इन तीनों की प्रीति ये तीन ही जानते हैं। गौरचंद्र अचानक किसी अन्य से यह सब नहीं कहते हैं, मतलब ऐसी बात और किसी से नहीं करते हैं, करते ऐसा कौतुक सीरियस बात करते। कुछ क्षण में भोजन समापन के उपरांत तीनों प्रभु चल दिए तो भक्तवृंद ने अवशेष पात्र को लूट लिया। इस आनंद भोजन के बारे में जो पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उन्हें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। वही कृष्ण को प्राप्त करते हैं और कोई नहीं। गदाधर जिनके प्रति शुभ दृष्टिपात करते हैं वे नित्यानंद स्वरूप को जान सकते हैं। नित्यानंद स्वरूप भी जिन्हें प्रतिभाव से ग्रहण करते हैं वही गदाधर को जानने में समर्थ हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु नीलाचल में गौरचंद्र के साथ कुतूहलपूर्वक विहार कर रहे थे। तीन जाना था के ना निरन तीन जाना एकत्र थाके न निरंतरा श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर जगन्नाथ एकत्र देखे न तीना जाना आनंदे बिहवल सबे मात्र संकीर्तन श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना। तीनों प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद और गदाधर निरंतर एक साथ रहते थे। तीनों प्रभु जगन्नाथ का भी एक साथ दर्शन करते थे। तीनों प्रभु निरंतर केवल संकीर्तन के आनंद में विवल रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन स्वरूप हैं वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से श्री चैतन्य भागवत के अंत्य खंड का सातवां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आठवां अध्याय पढ़ेंगे।
जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जय 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 नित्यानंद त्रिभुवन धन्य जय जय नित्यानंद भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय चैतन्य कथा भक्ति लाभ्य सुनिले चैतन्य कथा एबे सुन वैष्णव सवार आगमन एबे सुन वैष्णव आचार्य गोसाई जादि जत भक्त गण आचार्य समय श्रीरथ यात्रा रयसि नीला चले भक्त गोष्ठी हई लवी जय ईश्वर आज्ञाय प्रति बत्सरे बत्सरे ईश्वर सबे आई से नरथ यात्रा देखिबारे आचार्य गोसाई अग्रे करि भक्त गण सबे नीला चल प्रति करिला गमन सबे नीला चल प्रति चलिले न ठाकुर पंडित श्रीनिवास चलिले न हरि से पंडित गंगा दास चलिले स्मरणे हाय कर्म बंधनास स्मरणे
ज्ञानी चली लयानंद स्वरे जारे स्मरे गौर चंद्र कांदे चलिले न हरि से पंडित बक्रेश्वर चलिले न चीते कीर्तनिया दिगौर सुंदर चलिला प्रद्युम्न ब्रह्मचारी महासोय चलिला साक्षात नरसिंह जार संगे कथा कहे चलिले न उला हर हरिदास जार सिंधु कुले वास चलिले न वास दत्त महाशय चलिले कृष्ण है अपने विक्रय चलिला मुकुंद दत्त कृष्ण रगायन शिवानंद सेन आदि लयाप्त गण चलिला गोविंदानंद प्रेम ते विवला चलिला गोविंदानंद दस दिकए जार स्मरण निर्मल चलिल गोविंद दत्त हर समाने चलिला हैया जे कीर्तन करे प्रभु सानी ना करिया त्रिविजय दास रत्न बाहु जारे प्रभु करिला प्रकाश सदा शिव पंडित चलिल सुधाम
करे पूर्वे नित्यानंद र बसती पुरुषोत्तम संजय चलीला हर समाने जे प्रभु र मुख्य शिष्य पूर्व अध्ययने हरि बोल चलिले न पंडित श्रीमान जे देवति धरे न सावधान नंदन आचार्य चलिले न प्रीतमाने नित्यानंद जार गृहे आईला प्रथमे हरि से चलिला शुक्लांबर ब्रह्मचारी यार यंग मांगी खाई लेना गौरहारी अकिंचन कृष्ण दास चलिला श्रीधर यार जल पान कैल प्रभु विश्वंभर चलिले न लेखक पंडित भगवान यार देह कृष्ण हय चिला अधिष्ठान गोपीनाथ पंडित र शरी गर्भ पंडित चलिले न दुई कृष्ण विग्रह निश्चित वन माली पंडित मंगल जे देखिला सुवर्ण रसी हल मुसल जगदीश पंडित हिरण्य भगव हरि से चलिला दुई कृष्ण रस माता शिशु रूपे प्रभु जे दुई रघरे नैवे देखाइला नि श्री हरि बसारे चलिले न बुद्धिमंत खान महास आजन्म चैतन्य आज्ञा जहार विषय हरि से चलिला श्री आचार्य पुरंदर बाप बोली जार डाके श्री गौर सुंदर चलिले न श्री राघव गुप्त जार घरे हैल चैतन्य बिहार भव रोग वैद्य सिंह चलिला मुरारी गुप्त जार देह वैश्य सिंह गौरांग हरी चलिले न श्री गरुड़ पंडित हरि से नाम बले जारे न लंगिल सर्प बसे चलिले न गोपीनाथ सिंह महास अक्रूर करिया जारे गौर चंद्र प्रभु र परम प्रिय श्री राम पंडित चलिले न नारायण पंडित सहित आई दर्शन श्री पंडित दामोदर आसी चिला आई देखी चलिला सत्वा अनंत चैतन्य भक्त कत जानी नाम
चलिले न सबे आनन्दे र धाम हरे कृष्णा। तो कौन कौन नीलाचल धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, है? पूरी यात्रा महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, त्रिभुवन धन्य नित्यानंद की जय हो, भक्त गोष्ठी के साथ गौरांग की जय हो, चैतन्य कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है, आचार्य गोसाई आदि जितने भी भक्त वृंद थे अब उन सभी वैष्णवों का आगमन सुनिए। श्री रथ यात्रा के समय नीलाचल में भक्त गोष्ठी का शुभ आगमन हुआ। रथ यात्रा के टाइम पे नवदीप से ईश्वर की आज्ञा से प्रत्येक वर्ष सभी रथ यात्रा देखने के लिए आया करते थे। हर साल आचार्य गोसाई को आगे करके सभी भक्तों ने नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। जिनके मंदिर में चैतन्य का विलास संपादित हुआ था उन श्रीनिवास ठाकुर ने शुभ यात्रा प्रारंभ की। देवी भाव में जिनके घर ईश्वर ने नृत्य किया था वे आचार्य रत्न श्री चंद्रशेखर चल दिए। जिनके स्मरण से कर्म बंधनों का नाश हो जाता है वे पंडित गंगादास हर्ष के साथ चल पड़े। जिन्हें स्मरण पूर्वक गौरचंद्र ऊंचे स्वर से करंदन किया करते थे वे पुंडरिक विद्यानिधि ने आनंद के साथ प्रस्थान किया। जिनके नृत्य करते समय श्री गौर सुंदर स्वयं कीर्तन किया करते थे कौन वो पंडित वक्रेश्वर हर्ष के साथ चल पड़े। साक्षात नरसिंह जिनके साथ बातें किया करते थे कौन, हाँ वे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी वहाँ से चल दिए, जानना चाहिए ना? हैं सिंधु के तट पर रहने वाले हरिदास के साथ ठाकुर हरिदास उल्लास के साथ चल पड़े। जिनके निकट कृष्ण स्वयं बिक जाते थे कौन, उन वासुदेव दत्त महाशय ने प्रस्थान किया। कृष्ण कीर्तनकारी मुकुंद दत्त और शिवानंद सेन आदि अपने प्रियजनों के साथ चल पड़े। जिनके स्मरण से दसों दिशाएं निर्मल हो जाती हैं उन प्रेम बेहुल गोविंदानंद ने प्रस्थान किया। मूल रूप से जो प्रभु के साथ कीर्तन किया करते थे वे गोविंद दत्त महान हर्ष के साथ चल पड़े। प्रभु ने जिन्हें रत्न बाहु नाम से विभूषित किया था वे लिपिकार श्री विजयदास चल दिए। पूर्व में नित्यानंद जिनके घर ठहरे हुए थे वे शुद्धमती सदाशिव पंडित नीलाचल की ओर अग्रसर हुए। पूर्व आश्रम में अध्ययन के समय जो प्रभु के मुख्य शिष्य थे वे पुरुषोत्तम संजय हर्ष के साथ चल पड़े। प्रभु के नृत्य के समय जो यत्नपूर्वक दीवट धारण करते थे उन श्रीमान पंडित ने हरि कहकर शुभ यात्रा प्रारंभ की। नित्यानंद जिनके घर पहले आए थे उन नंदन आचार्य ने प्रीतिपूर्वक प्रस्थान किया। गौर हरि ने जिनका अन्न मंगाकर खाया था वे शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी हर्ष के साथ चल पड़े। प्रभु विश्वंभर ने जिनका जलपान किया था उन अकिंचन कृष्णदास श्रीधर ने प्रस्थान किया। जिनके शरीर में कृष्ण का अधिष्ठान हुआ था वे लेखक भगवान पंडित भी चल पड़े। गोपीनाथ पंडित और श्री गर्भ पंडित दोनों कृष्ण विग्रह निश्चित होकर चले। जिन्होंने सुवर्ण का श्रीहल और मुसल देखा था उन मंगल में बनवाली पंडित ने शुभ यात्रा की। कृष्ण रस में मत जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत दोनों हर्ष के साथ चल पड़े। पूर्व में शिशु रूपी प्रभु ने श्री हरिवासर तिथि के अवसर पर इन दोनों के घर से नैवेद्य मंगवाकर खाया था। आजन्म चैतन्य की आज्ञा का पालन ही जिनका विषय रहा है वे बुद्धिमंत खान महाशय चल दिए। श्री गौर सुंदर जिन्हें बाप कहकर वे श्री आचार्य पुरंदर हर्ष के साथ चल पड़े। जिनके गुप्त रूप से चैतन्य का विहार हुआ था उन उदार श्री राघव पंडित ने प्रस्थान किया। गौरांग श्री हरि गुप्त रूप में जिनके शरीर पर विराजमान रहते थे वे भवरोग वैद्य सिंह मुरारी चल पड़े। नाम के बल पर जिनका सर्प विष ने उल्लंघन नहीं किया था वे श्री गरुड़ पंडित हर्ष के साथ चल पड़े। गौरचंद्र जिन्हें अक्रूर नाम से पुकारते थे उन गोपीनाथ सिंह महाशय ने सुप्रस्थान किया। प्रभु के परम प्रिय श्री राम पंडित नारायण पंडित के साथ चल पड़े। हरे कृष्णा। देखिए तो कौन कौन गए जाते थे हैं यात्रा में उन सबके नामों का यहाँ बोले श्री दामोदर पंडित
आई के दर्शन अर्थ आए थे, आई को देखकर वे भी शीघ्र चल पड़े। चैतन्य के भक्त की संख्या, भक्त संख्या में अनंत है, कितना का नाम मैं जानता हूँ। सभी ने आनंद धाम की ओर प्रस्थान किया। वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रसे आसादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उचिष्ट मोर मन निष्ठा वैष्णवेर नामे थे वृंदावन चबूतारा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोतम दास गौरांग 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 आई के निकट से भक्तिपूर्वक विदा लेकर अद्वैत सिंह भक्त गोष्ठी के साथ चले। पूर्व में जिन जिन द्रव्यों से प्रभु प्रीति किया करते थे, जानकार भक्त वृंद ने प्रभु के भिक्षा के निमित्त उन सब द्रव्यों को साथ में ले लिया। महाप्रभु को जो जो आइटम्स अच्छी लगती थी वो सब बना बना के बढ़िया से सब लेकर चल गए। पूर्व में जिन जिन द्रव्यों से प्रभु प्रीति किया करते थे, जानकार भक्त वृंद ने प्रभु की भिक्षा के निमित्त उन सब द्रव्यों को साथ में लिया। संपूर्ण मार्ग में संकीर्तन करते करते संपूर्ण मार्ग में संकीर्तन करते करते संपूर्ण मार्ग को पवित्र करते करते सभी भक्त वृंद आ गए। कैसे संकीर्तन करते करते यात्रा कैसे करते थे? संकीर्तन करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Thank you.
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, दो मृदंग बजेगा तो पूरे मंदिर में आवाज उठ जाएगा, एक मृदंग काफी है, यही ज्यादा है, सब आ जाएंगे। इस प्रकार से क्यों कीर्तन कर रहे थे हम लोग, सारे भक्तगण नवदीप से आ रहे हैं, नवदीप से जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं नवदीप से नियाचल जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या करेंगे है? कुछ तो करना पड़ेगा ना है? कीर्तन उल्लास के साथ भक्त वृंद जिस और रास्ते को पवित्र करते जा रहे थे, उल्लास के साथ भक्त वृंद जिस प्रकार से हरिध्वनि कर रहे थे उसे सुनकर त्रिभुवनवासी पवित्र हो रहे थे। पत्नी पुत्र और दास दासियों के साथ अद्वैत आचार्य परम आनंद के साथ चैतन्य को देखने के लिए आए, आकर वास स्थानों की व्यवस्था देखते हुए सभी जहाँ जहाँ ठहरे वही स्थान श्री वैकुंठपुरी की भांति प्रकाशित हो उठा। कैसे प्रकाशित हो उठा? वैकुंठपुरी। सुना सुना ओरे भाई मंगल आख्यान, सुना सुना ओरे भाई मंगल आख्यान, सुना सुना अरे भाई मंगल आख्यान, सकला ए माता रंगे महा सकला मंगले आईले नीला चला, पूरे ते ध्वजा
प्रसाद देखिया कमला पूरे ते सवे दंडवत है प्रभु जनिया भक्ति गोष्ठी र विजय आगु बढ़ी बारे चित कैला इच्छा म आगु बढ़ी बारे चिता कैला इच्छा मा अद्वैतेर प्रतियति प्रीति युक्त है महाप्रसाद दीले न पठाइया प्रसाद पठाए जार कटक पर्यंत अरे भाई सुनिए इस मंगल आख्यान को सुनिए। मंगल आख्यान आदिदेव भगवान शेष उस मंगल आख्यान का कीर्तन करते रहते हैं। इस प्रकार से आनंद पूर्वक पूर्ण मंगल के साथ सभी महापुरुष नीलाचल पहुंच गए। कमलपुर से ही ध्वज प्रसाद को देखकर सभी ने क्रंदन करते हुए दंडवत प्रणाम निवेदन किया। भक्त गोष्ठी का शुभागमन जानकर प्रभु ने भी आगे बढ़ने का आगवानी करने का संकल्प किया। आगे जाकर स्वागत करूँगा। कौन महाप्रभु भक्त लोग आ रहे हैं सुने तो बोले मैं आगे जाके है ना स्वागत करना। ये कल्चर है सीधे कल्चर क्या कमलपुर अठार नाला से कुछ दूरी पर स्थित गांव है ना। अठार नाला बगल में ही कमलपुर गांव। अद्वैत के प्रति अतिशय प्रीतियुक्त होकर प्रभु ने सबसे पहले उनके लिए महाप्रसाद भेज दिया। उन जिनके लिए कटक तक प्रसाद भिजवाया उन अद्वैत के प्रति उस अद्भुत प्रीति का कोई अंत नहीं है। मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था
नाड़ा की हुंकार से मेरी निद्रा भंग हुई है, अद्वैत के निमित्त मेरा यह अवतार हुआ है। महाप्रभु बारंबार इस प्रकार कहा करते थे। अतः ईश्वर तुल्य जितने भी महान थे वे सभी अद्वैत सिंह से एकांत भक्ति करते थे। अद्वैत का शुभ आगमन सुनकर प्रिय गोष्ठी के साथ श्री वैकुंठपति आगे बढ़े। बाह्य ज्ञान रहित नित्यानंद गदाधर और श्री पुरी गोसाई हर्ष के साथ चल पड़े। सार्वभौम जगदानंद काशी मिश्रवर दामोदर स्वरूप श्री शंकर पंडित काशीश्वर पंडित भगवान आचार्य प्रेम भक्ति के प्रधान श्री प्रद्युम्न मिश्र परमानंद पात्र राय रामानंद चैतन्य के द्वारपाल सुकृतमान गोविंद ब्रह्मानंद भारती रूप सनातन रघुनाथ वैद्य शिवानंद नारायण अद्वैत के ज्येष्ठ पुत्र श्री अच्युतानंद वाणीनाथ सिक्की महिति आदि अनंत चैतन्य भक्तवृंद में से क्या छोटे क्या बड़े सभी ने प्रस्थान किया। उधर से तो नाम गिनाया, इधर से भी नाम गिनाया, तो यहाँ से सब लोग गए स्वागत अगवानी करने के लिए, इतने सारे नाम। परम आनंदित सभी प्रभु के साथ चल पड़े। किसी के भी शरीर में बाह्य दृष्टि या बाह्य ज्ञान नहीं था। क्या मिलन, वैष्णव मिलन है, वैष्णव मिलन। देखिए कल्चर, कल्चर एवरीथिंग अबाउट कल्चर। श्री अद्वैत सिंह सभी वैष्णवों के साथ अठार नाला पर आ पहुँचे। अठार नालों पे मिलन हुआ दोनों का। गौरांग महाप्रभु भी नरेंद्र सरोवर की ओर बढ़े। दोनों गोष्ठियों को दोनों का परस्पर दूर से दर्शन हुआ, इधर से भी इधर से भी है। दूर से दोनों गोष्ठियों के सभी वैष्णवों ने एक दूसरे को देखकर दंडवत प्रणाम निवेदन किया है। दूर से अद्वैत को देखकर श्री वैकुंठनाथ अश्रुपूर्ण नेत्रों से दंडवत प्रणाम निवेदन करने लगे। निज प्राणनाथ को दूर से देखकर श्री अद्वैत पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करने लगे। अश्रु कंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार और दंडवत होने के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों गोष्ठियों में से न जाने कौन किसे दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा था, किसको समझ नहीं आ रहा था कौन किसको प्रणाम कर रहा था। केवल वही जानता था जो प्रणाम कर रहा था। सभी अंदर ही अंदर चैतन्य के रस में विह्वल थे। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, सभी दंडवत प्रणाम निवेदन पूर्वक हरि ध्वनि कर रहे थे। ईश्वर भी भक्तों के साथ दंडवत कर रहे थे। अद्वैत आदि प्रभु भी वैसा ही कर रहे थे। इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते 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 दोनों गोष्ठियों का एकमात्र शुभ मिलन हुआ। यहाँ उच्च ध्वनि और उच्च आनंद कर क्रंदन के रूप में महान आनंद के दर्शन हुए। क्या कोई भी मनुष्य इस आनंद का वर्णन कर सकता है, हैं? नहीं कर सकता। इसका वर्णन तो केवल वेद व्यास और सहस्त्र वदन ही कर सकते हैं। अद्वैत को देखकर प्रभु ने उन्हें गोद में ले लिया और उनका अंग प्रेम आनंद के जल से सिंचित कर दिया। श्लोक पढ़कर अद्वैत नमस्कार करने लगे। अद्वैत स्वयं आनंद अवतार स्वरूप हो गए। प्रभु की पूजा करने के लिए वे जो कुछ सामग्री लेकर आए थे सब भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। आनंद से अद्वैत सिंह हुंकार कर रहे थे और कह रहे थे, ले आया 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 ले आया, हैं? ऐसा बोल बोलकर बार बार पुकार रहे थे। अतिशय ऊंचे स्वर से ऐसी हरिध्वनि हो रही थी कि मानो लोकालोक पूर्ण हो गया हो। वैष्णव के बारे में क्या कहना, जितने भी अज्ञानी जन थे वे सब भी हरि कहकर क्रंदन कर रहे थे। सर्वभक्त गोष्ठियाँ परस्पर गले लगकर आनंद के साथ क्रंदन करते हुए हरी हरी कहने लगे। जिनके निमित्त श्री चैतन्य का अवतार हुआ था उन अद्वैत के चरणों में सभी ने दंडवत प्रणाम निवेदन किया। कुछ ही क्षणों में दोनों गोष्ठियां महान उच्च ध्वनि के साथ महान संकीर्तन करने लगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare कीर्तन हुआ, मिलन हुआ वैष्णव का, क्या हो रहा है? कीर्तन क्यों कीर्तन किया भाई? वैष्णव का महामिलन हुआ, दीप से जो आए नीलांचल में स्वागत है, उसके बाद कीर्तन किया भक्तों ने। कहाँ कहाँ कीर्तन होना चाहिए ये पूरी यात्रा में बता रहे हैं ना, यहाँ पे कीर्तन हुआ ना बता रहे हैं। न जाने कौन किस दिशा में नृत्य कर रहा था है? कुछ ही क्षणों में दोनों गोष्ठियाँ महान उच्च ध्वनि के साथ महान संकीर्तन करने लगी है। न जाने कौन किस दिशा में नृत्य कर रहा था, कौन किस दिशा की ओर कीर्तन कर रहा था है, एवं कौन किस दिशा में गिरकर लोटपोट हो रहा था है? किसी को कुछ पता नहीं था। प्रभु को देखकर सभी आनंद में बिहोल हो रहे थे। परम मंगल में प्रभु भी सबके बीच में नृत्य कर रहे थे। आनंद विभोर दोनों मत्त सिंह नित्यानंद और अद्वैत परस्पर आलिंगन पूर्वक नृत्य कर रहे थे। सभी वैष्णव में से प्रत्येक वैष्णव को पकड़ पकड़ कर प्रभु परम प्रीति पूर्वक आलिंगन कर रहे थे। भक्तनाथ भक्त वर्ष वर्ती भक्त जीवन प्रभु भक्तों के गले लगकर क्रंदन कर रहे थे। जगन्नाथ देव की आज्ञा से उसी क्षण हजारों माला और चंदन आदि आ गए। आज्ञा माला देखकर हर्ष के साथ श्री गौरांग राय ने सबसे पहले आज्ञा माला को श्री अद्वैत सिंह के गले में डाल दिया है। अपने श्री हस्तों से प्रभु ने सभी वैष्णवों के अंगों को माला और चंदन से परिपूरित किया। खुद चंदन लगाया और खुद माला पहनाया अपने हाथों से महाप्रभु। प्रभु की कृपा देखकर वरुण प्रभु को भी एक माला पहनाए हैं। सभी भक्त वृंद बाहुओं को ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से रोने लगे प्रभु कृपा देखकर। श्री चरण पकड़कर सभी वर मांगने लगे हैं। क्या वर मांग रहे हैं जानना चाहते हैं? जन्म सबे ई मांगे ना बरा श्री चरण धारी सबे ई मांगे ना बरा श्री चरण धारी जन्मे जन्मे जेना प्रभु तुमना पासरी जन्मे जन्मे प्रभु तुमना पासरी
पशु पक्षी हई जथा त तुमार चरण जेन देखिए सर्वथा बार देह प्रभु करुणा सागर बार देह प्रभु करुणा सागर पाद पद्म धरी कांदे सवय अनुचर वैष्णव गृहिणी जात पतिव्रत गण दूरे थाकि प्रभु देखी कर क्रंदन तासबार प्रेमा धारी अंत नाही पाई सबे वैष्णवी शक्ति भेद की छुनाई तो क्या मांगा है श्री चरण पकड़कर सभी बार मांगने लगे हे प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि हम जन्म जन्मांतर में भी आपको न भूलें जहाँ तहाँ मनुष्य पशु अथवा पक्षी के रूप में जन्म क्यों न ले सदैव आपके चरणों के दर्शन कर सके हे करुणा सागर हे प्रभु यही वर हमें दीजिए इतना कहकर पाद पद्म धारण पूर्वक सभी अनुचर क्रंदन करने लगे जितने भी पतिव्रता वैष्णव गृहिणियाँ थीं वे दूर से प्रभु को देख कर क्रंदन करने लगीं उन सब के प्रेमाधार का अंत नहीं था वे सभी अभिन्न वैष्णव शक्ति स्वरूपिणी थी भगवान श्री चैतन्य ने ऐसा कहा था कि ज्ञान और भक्ति योग में सभी अपने अपने पति के समान हैं इस प्रकार से प्रभु के साथ सभी वाद्य गीत नृत्य और संकीर्तन के साथ श्री क्षेत्र में आ गए प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ कि कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें उल्लास विद्यमान ना हो है कि नहीं इंक्लूडिंग वेंकट मूर्ति प्रभु है ना उल्लास का प्रकाश दिखाई दे रहा है अठार नाला से
दस दंड के पश्चात महाप्रभु नरेंद्र सरोवर तट पर पधारे। उसी समय राम कृष्ण एवं श्री गोविंद श्री चंदन यात्रा के उपलक्ष में नरेंद्र सरोवर में जल के लिए करने के लिए पधारे। नरेंद्र सरोवर में जल के लिए होगा। और कैसे नरेंद्र सरोवर में स्नान करेंगे सारे मिलकर, इसका वर्णन कल किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।